क्या मस्ती क्या जादू। रोज कहाँ होती है दिल पर ऐसी मुलाकातें, आँखों आँखों में कर ले आओ दिल की बातें। आया हूँ मम्मी, लव यू आपको, लव यू मम्मी, लव यू। बहुत प्यारे हो मम्मी आप, लव यू। नीचे जा रहा हूँ मैं, ठीक है बाय, पढ़ लूँगा थोड़ा सा, सारा दिन छत पे खड़ा रहता हूँ। हेलो। हाँ बेबी। बेबी हम डेट पे कब जाएंगे? हाँ चल रहे हैं डेट पे, चलेंगे जरूर चलेंगे, ठीक है। हेलो बेबी, आवाज नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है टीवी चल रहा है तुम्हारे पीछे, उसको बंद करो पहले। टीवी की आवाज? मैं क्या करूंगा? एक मिनट, बापू जी ने उधर कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी। ये पक्का पापा देख रही हूँ मैं, पापा। जलाल चाचा जी समझदार है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पापा टीवी की आवाज कम कर लो, मैं पढ़ रहा हूँ। अबे कुछ बोल रहा है क्या? अरे पापा मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को डिस्टरबेंस हो रही है, मेरे को पढ़ने दो, टीवी की आवाज कम कर लो। ए बुड़बक, ले कर दी कम। हाँ बेबी अब सही आ रही है ना मेरी आवाज? अरे बेबी बताओ ना हम डेट पे कब जाएंगे? अच्छा तू पक्का चलेंगे डेट पे, ठीक है? पक्का पक्का डन, ठीक है। मथुरा वे इस अणु के भी हद में परिवर्तित रहते हैं। पढ़ रहा हूँ मम्मी, पढ़ रहा हूँ। बेबी वो मम्मी आ गई थी। हाँ मैं डेट के लिए अभी रेडी हो गई, अभी निकलता हूँ फटाफट, ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। टीवी में घुसे रही हो? वो अपना बेटा बिगड़ चुका है, उसका भी ध्यान कर लो कुछ। क्या हो गया? मैं कह रही हूँ अपने लड़के पे भी ध्यान दे लो, बिगड़ चुका है वो। सब बिगड़ गया है? बिगड़ गया मेरा लाडला, बिगड़ गया? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे वो जब कह रहा था ना टीवी की आवाज कम कर लो कम कर लो, मैं पढ़ रहा हूँ, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही थी, मैं कान लगा के सुन के आई हूँ बाथरूम पे, पता है किसी लड़की से बात कर रहा था वो। काना फूसी की तो आदत है तुम औरतों की, कान लगा के आई हूँ। पता है मैं ऊपर गई थी। ऊपर गया हुआ कोई वापिस आ ही नहीं सकता, झूठ बोल रही है। अब पागल है, मैं ऊपर छत पे गई थी, वहां पता क्या कर रहा था। और सुनो मैं बता रही हूं आपको, वो पक्का कहीं ना कहीं जाएगा ही। पापा मम्मी मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं पढ़ने। बेटा ये तेरी पर्सनल मम्मी है ना, पक्का टोटल पागल हो चुकी है, इसका इलाज करवाना पड़ेगा। पागल तो ठीक है पापा, मैं आते वक्त डॉक्टर को भी ले आऊंगा। ओके बाय, अभी मेरे को थोड़ा जल्दी याद जा रहा हूँ मैं। अरे मेरा इलाज नहीं, मुझे लगता है तुम दोनों का इलाज कराना पड़ेगा मुझे। मैं कह रही थी ये जाएगा पक्का, इतना 4 साल हो के गया है पर फूम छड़क के। मैं कह रही हूँ पक्का किसी लड़की से मिलने गया है, शर्त लगा लो आप इस बात की। शर्त क्या होगी? अरे शर्त ये होगी, अगर मैं जीत गई ना तुम्हें पूरे घर का काम वो करना पड़ेगा जो मैं करती हूँ। और अगर मैं जीत गया ना तो मैं तुमसे कब कहाँ कैसे क्या करवाऊंगा ये तभी बताऊंगा। तुम जीत ही नहीं सकते। मंजूर? मंजूर, चलो पीछा करते। मिला बात, ये उल्टे वाला, चलो पीछा करेंगे, जो मैं कहूंगी वही करना पड़ेगा, चलो डन। आ जाओ। अब तू तो यहाँ पे रह।
चल जेम्स बॉन्ड। कहाँ है? रुको। वो रहा। आओ। भागो। देखो वोरा, मैंने कहा था पक्का ये किसी से मिलने जाएगा। अरे मंदबुद्धि, वहाँ पर लाइब्रेरी है, मेरा बेटा लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहा है। वो पढ़ने नहीं जा रहा, देखो वो गया। अरे किसी का बर्थडे होगा, केक पेस्ट्री वगैरह लेने गया होगा। अच्छा चलो चलो देखते हैं। चलो देखो, मैं ना तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। रामखोर, ये कौन सी लाइब्रेरी है तेरी? हैं? हैं? पहले ही बोला था ना मैंने, बिगड़ रहा है लड़का, तुम्हारे पे चला गया ये। अरे मैं कहीं नहीं लड़कियों को इतने महंगे रेस्टोरेंट में लेके आया, पटड़ी पे चाय पिलाता था, वो भी कटिंग वाली, और ये क्या कर रहा है? हैं? क्या कर रहा है? और तू अपने माँ बाप को फोन मिला भी क्या भी? अंकल मैं अपने मम्मी पापा को फोन नहीं लगा सकती। क्यों नहीं कर सकती? हाँ हाँ, नहीं लगा सकती है, कॉल नहीं लगा सकती अपने मम्मी पापा को। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि इसके मम्मी पापा ही नहीं है, ये अनाथ है, अनाथ। मम्मी पापा नहीं? हाँ एक्चुअली अंकल मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैंने तो आज तक उनको देखा तक नहीं, मेरी तो परवरिश भी इसने करी है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाला रे, बचपन का। हाँ मम्मी पापा, ये बेचारी अनाथ थी तो मैं इसका कंधे का सहारा बन गया। हाँ सहारा बन गया, अगर आप मेरी जगह होते तो पापा आप क्या करते? अबे नालायक, तो इसको बहन बना के घर क्यों नहीं ले आया? पापा वो बहन तो शादी के बाद फिर दूसरे घर चली जाती, अब ये तो शादी करके हमारे घर ही आएगी, हमारे साथ रहेगी हमेशा, है ना? तो बहन कैसे बना लेता? देखा दिमाग मेरे पे गया है, सही किया बेटा। अरे ठीक है ना, रख लेंगे, हमें भी तो एक बहू रानी की जरूरत है, और काम में मेरी हेल्प कर देगी। तो पापा चलें घर? चला। इसको साथ लेके? हाँ ले चल। चल बेटा चाय बना लो। पापा जी, वो मम्मी बता रही थी कि आप शर्त में हार गए थे, तो चाय तो आपको बनानी पड़ेगी, है ना? और मैं तो कह रही थी कि चीनी कम डालना, वो मम्मी और मैं हम दोनों मोटे हो रहे हैं ना। युधिष्ठिर का अभिशाप अभी तक चल रहा है इन औरतों पे। सुमित बेटा। हाँ पापा। बेटा चाय बना ला। चाय मैं क्यों बनाऊं? चाय खुद बनाओ। इसको निकालू घर से अभी? इसमें इसका क्या मैटर, इसको क्यों भगाना? घर में तू ही लेके आया ना, बचपन का प्यार मेरा। चाय बना ले, नहीं घर से निकाल दूंगा। अरे पापा आप तो फालतू में गुस्सा करके, मैं ये पूछ रहा था आपसे, मीठी कम लोगे या तेज लोगे? क्या? हाँ कम मीठा, अदरक इलायची डाल के। अदरक इलायची डाल के थोड़ा जहर फूंक दूं? वो इसको पिला दियो। जा रहा है कि नहीं? हाँ, जा रहा हूँ पापा। तो बैठा क्यों है? स्टील के कप में लोगे या मिट्टी के कप में लोगे?
मिट्टी वाला कुल्लड़, कुल्लड़ में लाना। तोड़ के लाता हूँ कुछ दाल में। एक मिनट, आज ये मेरे से चाय बनवा रहे हैं, कल बोलेंगे बर्तन भी दो, फिर बोलेंगे रोटी भी बना, और फिर कपड़े भी धुलवाएंगे, कहीं मैं फंस तो नहीं गया? अरे नहीं, प्यार है मेरा, बचपन का प्यार मेरा वो नहीं जाना रे। कोई भी कितना भी बड़ा बाहुबली हो, प्यार के सामने थोड़ा झुकना तो पड़ता ही है। कहीं नहीं, चाय बनानी है ना, खुशी खुशी बनाऊंगा। हाँ मम्मी। अबे इतना चिल्ला के क्यों बात कर रही है? पता दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के सिर्फ कान होते हैं, मुंह थोड़ी होता है। नहीं मम्मी, आपसे नहीं कह रही थी मैं। हाँ आ जाऊंगी मैं घर, वो मैं अपनी दोस्त के घर आई थी पढ़ने के लिए। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी, ठीक है। अच्छा मम्मी सुनो, जरा मेरे एक चैप्टर रह रहा है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके 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 बाय। बताओ क्या करूँ मैं, मम्मी मुझे तब से कॉल कर करके परेशान कर रही है यार। अब देखो तुम्हारे डेट के चक्कर में मेरे नाम के आगे लेट लग जाएगा, सारी तुम्हारी गलती है। देख कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे जल्दी से निकाल, मुझे पापा से डर लग रहा है यार। ठीक है दिमाग खराब मत कर, सोचता हूँ कुछ, सोचने दे। बेटा आज तेरी लंका तो मैं लगा दूंगा, आज तू अपने बाप का कहर देखेगा। और क्या कह रहा था, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। अब सुनियो, बुढ़ापे की मार तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मैं बोलती थी ना, बिगड़ गया है लड़का, पक्का तुम्हारे पे गया ये। अब या तो हिंदी में चुप हो जाओ, तुमने ही कहा था ले चलो बहू रानी को, काम कराऊंगी घंटा, देख क्या निकला। मैं तो पहले चुप, बोलेगी नहीं। क्या कह रहा था मेरे लाल, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। इसकी अगली लाइन क्या है पता है? नहीं। बाप के थप्पड़ की मार तू याद रखेगा रे। ये गलत। क्या कह रहा था? ये गलत। उसके माँ बाप नहीं है? अबे कमीने, आसकी के चक्कर में मतलब माँ बाप को ही है? ये काम करने गया था है? उद्धू काट दिया हमारा। ये मैंने तो अच्छे दिए थे, तुम्हारा परछाव पड़ गया, मैं क्या करूं? और देख कैसे देख रही है खड़ी खड़ी, भाग जाइए ना, चुटिया पड़ कर घुमा दूंगी तेरी। उसको तो बाद में देखेंगे, पहले इसकी। पापा बस बस बस, देखो देखो पापा, देखो मम्मी, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो। देखो देखो आज के बाद है ना, मैं किसी लड़की की तरफ मुंह उठा के नहीं देखूंगा। अरे मुंह उठा के नहीं, आंख उठा के। पापा मैं आंख उठा के नहीं देखूंगा, आंख उठा के नहीं देखूंगा, कसम खा। कसम कसम से नहीं देखूंगा। अच्छा पापा चलो अब शांति के साथ सो जाते हैं। पापा ये शांति कौन है अब? शांति कौन? शांति मन की शांति, मन की। मैं समझा कहीं इसके बाद किसी शांति के माँ बाप को मारे बैठे मिलेगी। नहीं नहीं, ये शब्दों की चूड़ी कभी ऐसी मरेगी, पापा मेरी चूड़ी मार देंगे। चल इसको अब सुला दो, चलो चला दो। अब जाओ मैं आ जाता हूँ। अबे तू फिर किसी के पीछे जाएगा, किसी के माँ बाप को मार के लाएगा, घर से बाहर नहीं जाने देना इसको। नहीं जाने दे, ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी है ये। लेके चल लेके चल। मेरे से बिल्कुल उदास नहीं देखा जाता मेरा बेटा। जब कलेक्टर बनेगा ना तू भी बहुत खुश होगी। चलो बस
कहा था ना बेबी, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी मतलब? कुछ भी। Hey guys, hope so वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना फेवरेट पार्ट मुझे जरूर बता देना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल।